जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, अभी अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, एक कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और साथ के साथ काफी सारी अपडेट और भी हैं जो स्टूडेंट के हित के लिए हैं, तो वो मैं आपको सब डिटेल में बताने वाला हूं। तो ये जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और जो आपको इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आज की अपडेट है उनके बारे में। तो साथियों, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो अपडेट ये है कि जो हमारे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होना था 30 जुलाई को, उस एंट्रेंस एग्जाम को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब वो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा वो होगा आपका 6 अगस्त को, यानी कि जो हमारा 30 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम होना था बीएड का, अब होगा हमारा 6 अगस्त को। अब उसमें जो उसकी वजह से जो हमारे एग्जाम कैंसिल हुए थे 29 जुलाई और 30 जुलाई वाले एग्जाम, अब वो जो हमारे एग्जाम हो गए थे 9 अगस्त और 10 अगस्त को हो गए थे, अब फिर से सीसीएस यूनिवर्सिटी ने उन एग्जाम को 29 और 30 जुलाई में ही कर दिया है, यानी कि अब वो एग्जाम आपके फिर से 29 और 30 जुलाई को ही होने वाले हैं। तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, वो अपनी तैयारी कर सकें, यानी कि फिर से आपका जो एग्जाम है वही 29 और 30 जुलाई को होने वाला है। अब इससे आगे बात करें जो हमारे लॉ के एग्जाम होने हैं, लॉ बोले तो हमारा जैसे हमारा एलएलबी के एग्जाम होने हैं जो 3 ईयर एलएलबी है, जो हमारे एलएलएम के एग्जाम होने हैं और हमारे जो बीए एलएलबी के एग्जाम होने हैं, तो उसके लिए जो हमारे एडमिट कार्ड है वो तो जारी कर दिए हैं, जो कि लगभग सभी स्टूडेंट ने उनको डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन उसमें अभी एक नोटिस और भी जारी किया गया है। अब क्या नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, जो नोटिस जारी किया गया है, नोटिस ये जारी किया गया है कि आपके यदि जैसे आपने ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, 7000 बच्चों ने लगभग ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट किया है जिनको ऑनलाइन एग्जाम देना है, बाकी बच्चे ऑफलाइन एग्जाम देंगे। अब लेकिन उनको एक फैसिलिटी और दी गई है, यानी कि जो अभी नोटिस जारी किया गया है उसमें फैसिलिटी ये दी गई है, जिन बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम वालों ने बच्चों ने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं तो उस पे भी सेंटर का नाम दिया हुआ है, यानी कि उस पे भी एग्जाम सेंटर का नाम दिया हुआ है कि आपका सेंटर कहां पर है। तो यदि आप चाहते हैं कि जैसे आपको आप ऑनलाइन नहीं देंगे, आप ऑफलाइन देना चाहते हैं एग्जाम, तो आप सेंटर पर जाकर ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको सेंटर पर उसी टाइम पर पहुंचना होगा, यानी कि जिस टाइम पे आपका पेपर है उस टाइम से पहले पहले आपको अपना पहुंचना है, एग्जाम आप दे सकते हैं ऑफलाइन। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक चीज और भी क्लियर की गई है नोटिस में, कि यदि आप एक एग्जाम ऑनलाइन दे देते हैं और आप ऑनलाइन एग्जाम सही से नहीं दे पाते हैं, फिर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो फिर आप नहीं दे पाएंगे, यानी कि फिर आपको कैसे देना होगा, फिर आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देने होंगे। तो यदि आपको ऑफलाइन देने का मन बन रहा है तो आप जाकर सेंटर पर ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान यही रखना है कि यदि आपने एक भी एग्जाम ऑनलाइन दे दिया है तो फिर आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देने होंगे। जो आपके 26 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है उसके लिए एडमिट कार्ड भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, एडमिट कार्ड भी आपके उनके आ चुके हैं। इससे आगे बात करते हैं जो एक कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, वो अपने जो एग्जाम के बारे में या आपका जो उनको बीएड के लिए जो आप तैयारी कर रहे थे वो बीएड के बारे में उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो अब बात करते हैं जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में। तो साथियों, जो आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो हुआ है बीबीए का कोर्स का, आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो आज आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो आप देख सकते हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं, यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।